खरगोन जिला मुख्यालय पर आज आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया। संगठन ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने आदिवासी वर्ग के लिए कार्य करने वाले संगठन को देशद्रोही करार दिया है, जिसमें समस्त सामाजिक संगठनों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। संगठन ने मांग की है कि उषा ठाकुर या तो जयस संगठन पर लगाए आरोप साबित करे या अपनी कुर्सी खाली करे, और साथ ही उषा ठाकुर पर एट्रोसिटी एक्ट में FIR दर्ज कर तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इस दौरान जयस के जिला संरक्षक राजेंद्र सिंह पवार, नाजी के प्रदेश महासचिव रामेश्वर बड़ोले, संभागीय अध्यक्ष विष्णु गोखले, कपिल पवार, जांगीराम बड़ोले सहित समाज जन उपस्थित थे। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। क्या जब किस मांग को लेकर ये ज्ञापन दिया? उषा ठाकुर मैडम का एक कार्यक्रम था अंबेडकर विश्वविद्यालय में, जिसमें वंश अधिकार पट्टे बांटे जा रहे थे। उसमें एक बयान दिया उन्होंने कि जयस संगठन ने जो है जो आदिवासी के लिए काम कर रहा है, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उस संगठन को देशद्रोही संगठन कहा गया, जिसके विरोध में आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है और उन पर मांग की गई है कि उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए, क्योंकि वो जो संगठन जयस को देशद्रोही बोला गया है वो आदिवासियों के हित में सदैव काम कर रहा है, उस संगठन को देशद्रोही बोलना गलत है। इसलिए हमने FIR के लिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, और मैं मुख्यमंत्री महोदय से भी मांग करता हूं कि ये काबीना मंत्री जिसपे कोरोना काल में सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनको एक अच्छे डॉक्टर के सलाह देता हूँ कि उनको अच्छे डॉक्टर मेंटल डॉक्टर को दिखाएं, उनका इलाज कराएं और पद से पृथक किया जाए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर बड़ोले, प्रदेश महासचिव, नाजी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।